सब ऑफिशियली रिकॉर्ड में आज हम आ जाएंगे। बाकी निर्वाचित तो 23 तारीख को हो गए। जनता का धन्यवाद है, मीडिया ने बहुत सहयोग किया, उनका भी सबका धन्यवाद। चुनाव में बीजेपी को जनता ने सपोर्ट किया है, आप जीत के आए हैं, क्या लगता है आपकी अब नए जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें मौका मिलना चाहिए नए चेहरों को? देखिए, मैं लो प्रोफाइल व्यक्ति हूँ, मैं इन बड़ी चीजों में नहीं जाना चाहता। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी ने 10-11 महीने अच्छा काम किया है, रिजल्ट आपके सामने। अगर मौका मिला तो सेवा करने के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले निवेदन किया है कि अभी ये बड़े नेताओं का काम है, हम तो एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को मौका मिला है। मौका मिला है ना विधायक का मौका जनता ने दिया है, सेवा करेंगे। अब जनता ने मौका दिया, अगर सरकार देना पार्टी देना चाहे मौका और आगे तो? देखिए, मैंने आपको पहले निवेदन किया है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे मौका मिला, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ और मैं विधायक के रूप में खुश हूँ, बाकी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी। खींव सर की आम जनता ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, इस बार परिवर्तन किया, भारतीय जनता पार्टी को जीता के भेजा, मैं प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा। ये आप क्या मानते हैं कि आप अगर नया रिशफल होता है और आपको मंत्रिमंडल में मौका मिलता है तो आप क्या किस प्रकार से करेंगे? वो पार्टी जो भी पार्टी करेगी वो उचित हमें, मैं हमारा यही रहेगा कि खींवसर के आम जन की सेवा करें, किसानों का हित हो, आम जन का हित हो और खींवसर का चौमुखी विकास हो। बीजेपी ने नाक का सवाल किया, लोकतंत्र लोगों का मन था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी पिछले 10 महीने का जो कार्यकाल था उसका जो विकास के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय था उसकी बदौलत जनता ने मन बनाया और इस बार खींवसर की आम जनता ने मिलकर चुनाव लड़ा। रेवतराम, मेरा विश्वास नहीं, जनता के विश्वास पर खरा उतरेगा, 36 कौम के लोगों के विश्वास पर खरा उतरेगा। ये देख लो आप, हनुमान बेनीवाल जितने बड़े बोल बोले ना उतनी बड़ी हार हुई है उसकी, उतनी हार हुई है। ये डंका बजाएगा आप देखना।